कहानी शुरू होती है एक लकड़ी के घर से, जिसमें एक लकड़ी का आदमी रहता था। छोटे बच्चे के लिए एक लकड़ी का खिलौना बना रहा था। लकड़ी का खिलौना वो छोटे बच्चे को देता है तो वो खिलौना वो खा जाता है। आदमी ने ये सोच के छोड़ दिया कि अभी वो छोटा बच्चा है, कुछ दिनों बाद देखते है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। पापा कुछ भी खिलौना लाता, कुछ भी खिलौना बनाता, उसे देता तो वो खा जाता था। कुछ दिनों बाद वो लकड़ी का घर में जो सामान रखा था वो धीरे धीरे खाता जा रहा था। सामान खत्म हुआ तो उसके बाद में वो घर को भी खाने लगा। उसे उसका पापा बहुत ही चिंतित होने लगा था। बाद में उसका पापा घर को रिपेयर कर देता था, फिर से उसको रिपेयर कर देता था। बहुत दिन ऐसे ही चलता गया कि बाद में दोस्तों एक ऐसा दिन आया कि वो घर ही पूरा टूट गया। वो घर नीचे टूट के गिर गया दोस्तों। उसके बाद में उसका पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो परेशान होकर एक साइड में जाके बैठ गया। बाद में दोस्तों उस आदमी की वहीं पर आग लग जाती है और वहीं पर धीरे धीरे बारिश पड़ने लगती है। वो जब उठ के इधर उधर देखता है तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी के ऊपर जाता है तो वहाँ पर वो बच्चा खड़ा था और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। तो बारिश के कारण उसके छाती में जो आग जलती रहती थी वो बुझ चुकी थी। वो जलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जलती। वो आदमी बहुत ज्यादा उदास होकर उस बच्चे को नीचे लेटा देता है और उसकी छाती में वो पंखा लगा देता है। जैसे ही जरा सी धूप निकली तो उसके अंदर की मशीन काम करने लगती है तो उस बच्चे की आंखें खुल जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमारी कहानी आपको जरा सी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारी कहानी में कुछ भी अच्छा या कुछ भी बेकार लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम उसे और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में।